हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ गणेश चतुर्थी के डे 9 का ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैंने गणपति जी के लिए बनाए थे सूजी के और बनाना के मोदक। तो ये 30 अगस्त का ब्लॉग है, 30 अगस्त 2020। तो चलिए, सूजी और बनाना मोदक का गणपति जी को भोग भी लगा दिया है, आरती भी कर ली है, तो अब बढ़ते हैं नाश्ते की तरफ। तो हम बना रहे हैं चीले। आज हमने नॉर्थ इंडियन थीम रखा है, तो हम उसमें और इसी के साथ हमें सूजी और बेसन भी चाहिए और दही भी। इनमें कोई सी भी सब्जी डाली जा सकती है। प्याज अगर नॉर्मल पूजा के दिनों में नहीं बना रहे तो प्याज भी डाल सकते हैं। तो मैंने खीरा गाजर बीटरूट शिमला मिर्च सबको चॉप कर लिया है। खीरे से ये जो चीले हैं ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं, तो आप भी खीरे ज़रूर डालें। फिर हम सूजी बेसन और दही डाल लेंगे और जितनी भी हमने सब्जियां कट करी थी वो सारी सब्जियां हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए, सब सब्जियों को अब हम जो सूजी और बेसन है और दही उनके साथ अच्छे से मिलाएंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे और इसी के साथ साथ हम थोड़ी सी लाल मिर्ची भी ऐड करेंगे। ये देखिए, लाल मिर्ची मिला लेंगे, हींग डालेंगे और फिर पानी डाल के इसका थोड़ा सा मीडियम टू थिक कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेंगे, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। तो ये देखिए, हमें कुछ ऐसा ही बैटर चाहिए। अब हमारे पैन पे हम तेल डाल के उस पर हमारा ये बैटर डालेंगे। इसे ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है, बस आप पैन हिला हिला के थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए। फिर जब ये थोड़ा सा पक जाए तो हम इसे फ्लिप करेंगे, पलटेंगे। ये देखिए कितना टेस्टी और कितना सुंदर दिख रहा है हमारा चीला। ऐसे ही करके हम हमारे चीले को बना लेंगे। तो ये देखिए, हम टोमेटो सॉस के साथ गणपति जी को इसका भोग लगा रहे हैं। आप हरी चटनी, मीठी चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब लंच के लिए हम बना रहे हैं छोले भटूरे। तो हमने टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक तीनों को पीस लिया है। अब कढ़ाई में हम तेल में डालेंगे जीरा। जब जीरा अच्छे से चटकने लगे, गर्म हो जाए, तब हम उसमें हींग डालेंगे और फिर हम हमारी ये टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची की प्यूरे डाल के उसे भूनने के बाद हम मसाले ऐड करेंगे। तो हम ए टू जेड हमारे सारे मसाले ऐड करेंगे, छोले मसाला भी ऐड करेंगे। तो हमने ऐड किया है धनिया पाउडर, छोले मसाला, हरी मिर्ची और नमक, बस इसके अलावा हमने और कुछ ऐड नहीं किया है। फिर हम इसमें हमारे छोले ऐड कर देंगे और हमारी सब्जी बनके रेडी हो जाएगी। अब हम बना लेते हैं भटूरे। अगर हम नॉर्मल डेज में बना रहे होते तो बस हम टमाटर से पहले प्याज भी डाल के भून लेते। तो अब हम हमारे भटूरे बनाएंगे और जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम हमारे भटूरों को तल लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से दबा दबा के भटूरों को तलेंगे तो आपका भटूरा एकदम फूला फूला बनेगा। ये देखिए, अब भटूरे भी बन जाएंगे। फिर हम लगा लेते हैं हमारी थाली। तो थाली में हम रख रहे हैं छोले भटूरे और ये छेना जलेबी, यानी पनीर की जलेबी। इस जलेबी का वीडियो मैं भोग लगाने के बाद ऐड कर दूंगी, इसकी क्लिप। और इसी के साथ साथ हमने सैलेड और तली हुई मिर्ची भी रखी हैं। तो चलिए, अब सबका गणपति जी को भोग लगा लेते हैं। ये जो छोले बनाए हैं इसमें से हमने एक कटोरी छोले की सब्जी निकाल के रख दी है ताकि वो रात के डिनर में काम आ जाए। तो ये देखिए, सबका भगवान को भोग लगाएंगे। धीरे धीरे से गणपति जी को सब चीज़ें खिलाएंगे, जलेबी खिलाएंगे। ये जलेबी एकदम इंस्टेंट 10 मिनट में बनके रेडी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो सब चीज़ों का भोग लगाएंगे, फिर पानी पिलाएंगे और फिर गणपति जी का मुंह पोछेंगे। तो चलिए, अब मैं जलेबी की वीडियो भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो हमने लिया है छेना, यानी पनीर जो दूध फाड़ के बनता है, उसे हमने मिक्सी में ऐड कर लिया है। या हमने करीबन आधा लीटर दूध का छेना लिया है, या एक कटोरी आप बोल सकते हैं।
उसमें हम 3 चम्मच मैदा डाल रहे हैं, जो घर वाली चम्मच होती है। 1-2 चुटकी हम सोडा डालेंगे और इसे पीस लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करके इसे और अच्छे से पीस लेंगे। और यहाँ बन रही है हमारी चाशनी। फिर हम दूध के पैकेट में भर के हमारी जलेबियाँ बनाएंगे। तो ये जलेबी की कढ़ाई है, आप नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हैं। ये जलेबियाँ नॉर्मली जो पनीर की जलेबी होती है, ये थोड़ी मोटी ही होती है, इसलिए हमने जो छेद है वो मोटा कट किया है। और जब जलेबी बन जाएंगी तो उन्हें चाशनी में डाल देंगे। दूध आप कैसे भी फाड़ सकते हैं, नींबू से या फिर सिरके यानी विनेगर से। तो अच्छे से जलेबियाँ बन गई हैं, उन्हें हम हमारी चाशनी में ऐड कर देंगे। अच्छे से उन्हें चाशनी में डिप करेंगे। और ये देखिए हमारी जलेबियाँ बन के रेडी हो गई हैं सिर्फ 10 मिनट में, और बहुत ही टेस्टी भी बनी है। अब रात के डिनर के लिए हमने बनाए हैं छोले चावल। तो छोले तो हमने दोपहर में आपको दिखाए ही थे, उसके साथ साथ हमने राइस बना लिया है, अचार और कुछ तले हुए पापड़। तो यही भोग आज हम डिनर में लगाएंगे। तो अब गणपति जी को भोग लगा लेते हैं। अगर आपने हमारी ये 10 Days 10 Episode की सीरीज़ एंजॉय करी है और आगे भी एंजॉय करेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने सारे हमारे जो जितने भी एपिसोड्स अभी तक हुए हैं, हमारे 9 एपिसोड्स, अगर उन सबको देखा है और अगर उन सबको लाइक किया है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिएगा। हमारी तरफ से आपको एक शाउट आउट ज़रूर मिलेगा। तो ये देखिए सब चीज़ों का अच्छे से हम गणपति जी को भोग लगाएंगे। सब चीज़ें धीरे धीरे खिलाएंगे। और अब मीठे में हम गणपति जी को केक खिला रहे हैं। तो ये केक प्योर वेज है और हम वेजिटेरियन ही खाते हैं, इसलिए हम गणपति जी को ये केक का भोग लगाएंगे। तो ये देखिए केक भी खिला दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।